सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे केस प्रेजेंटेशन, जो कि फुल एकदम साइकेट्रिक के फॉर्म में है। जैसा फॉर्मेट उसका है वैसे ही हमने इसमें लिखा है। तो ये रही हमारे पास पूरी साइकेट्रिक की फाइल, जिसमें हम लोग वन बाय वन करके पूरी फाइल रेडी कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं केस प्रेजेंटेशन, जिसमें कि पहले हम लोग लिखते हैं पेशेंट का इंफॉर्मेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन डाटा। सो जिसमें कि हम लोग लिखते हैं इसका, देखिए पूरा इसने इसमें पूरा लिख रखा है, आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं नेम, वाइफ ऑफ, एज, सेक्स, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, रेजिडेंस, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, इन्फॉर्मेंट कौन था, कौन उस पेशेंट को लेके आया था, नेम क्या है, रिलेशनशिप क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। फिर हम आगे लिखते हैं इसका चीफ या प्रेजेंट कंप्लेन क्या है उस पेशेंट को, अभी प्रेजेंट में कंप्लेन। देन हम लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो प्रेजेंट इलनेस है उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कब से स्टार्ट हुई, उसके क्या फैक्टर हैं, क्या मोड है, क्या उसका कोर्स रहा है और क्या उसकी प्रोग्रेस है। देन हम लोग ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखते हैं, क्या पेशेंट ने पहले भी उसे ट्रीटमेंट ले रखी है उस डिजीज़ के लिए, तो इस पेशेंट ने ले रखी थी तो ये मेडिसिन वो खाता था। देन हम देखेंगे पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, पहले ही उसे डिजीज़ हो चुकी है या नहीं। तो इस पेशेंट को हुई थी दो बार हुई थी, सिम्टम्स ये थे, इसका ड्यूरेशन 1 ईयर बिफोर लास्ट एपिसोड भी कम, मतलब 1 साल पहले ही उसे ये हुआ था। देन प्रोबेबल डायग्नोसिस हम क्या क्या बनाते हैं, तो ये सब है। सब्सटेंस हिस्ट्री, वो कोई सब्सटेंस एडिक्टेड तो नहीं था, तो नहीं खाता ये। पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, देन हम लिखेंगे फैमिली हिस्ट्री, जीनोग्राम बनाएंगे इसका, पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे हम लोग, देन मैरिटल हिस्ट्री, देन हम लोग करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। देन हम लोग देखेंगे स्पीच, स्पीच में क्या इनिशिएशन है, रिएक्शन टाइम क्या है, रेट क्या है, टोन क्या है, सब देखेंगे इसमें, सब लिखा जाता है ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पूरा। फिर हम उसे सैंपल भी लेते हैं, सैंपल में जो हम क्वेश्चन जैसा पूछते हैं, जैसा आंसर पेशेंट करता है हम वैसे ही लिखते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। मूड एंड अफेक्ट देखेंगे, उसका मूड कैसा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है, उसका थॉट कैसा है, कंटेंट में क्या है, डिल्यूजन है, आइडियाज़ उसके कैसे हैं। देन हम देखेंगे ऑब्सेशनल थॉट्स हैं कि नहीं, फोबिया है कि नहीं। कॉग्निटिव फंक्शन में देखेंगे कॉन्शियसनेस है कि ओरिएंटेशन है, उसको टाइम प्लेस और पर्सन वो अवेयर है कि नहीं है उस चीज़ से। तो ये हम क्वेश्चन पूछ के सैम्पल कलेक्ट करते हैं, जैसे अभी कितना बजे हैं, तो वो बोलता है अभी 9 बज गए हैं, द पेशेंट इज़ टाइम ओरिएंटेड, उसे टाइम पता है। फिर हम प्लेस पूछेंगे तुम कहाँ हो, तो वो बोलेगा हॉस्पिटल में हूँ, तो प्लेस भी ओरिएंटेड है। देन हम पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है मेरा नाम सीमा है, तो पर्सन भी ओरिएंटेड है, तो अटेंशन अलर्ट अराउजल है, कंसंट्रेशन है, मेमोरी उसकी कैसी है, मेमोरी 3 टाइप की होती है, इमीडिएट, रीसेंट एंड रिमोट। तो हम लोग ये तीनों चेक करेंगे उससे क्वेश्चन करके। इमीडिएट में हम लोग तुरंत में कोई वर्ड्स दे देंगे, कोई जम्बल वर्ड्स दे देंगे, कहेंगे उसे रिपीट करो। फिर रीसेंट में हम लोग देखेंगे कि मतलब 1-2 दिन पहले का हम लोग उसे देंगे क्वेश्चन। रिमोट का मतलब पास्ट का क्वेश्चन उसे पूछेंगे। फिर इलनेस रिलेटेड इवेंट्स हम पूछ सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस पता कर सकते हैं। देन हम उसकी अरिथमेटिक एबिलिटी भी देखेंगे क्वेश्चंस पूछ के, जजमेंट देखेंगे उसका, पर्सनल, सोशल और टेस्ट करके। इनसाइट कौन सा ग्रेड का प्रेजेंट है हम ये देखेंगे। देन हमारा यंग डिमेंशिया रेटिंग स्केल भी होती है, वो भी बनानी पड़ती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में करेंगे हम लोग जैसा किया जाता है। देन हम बुक पिक्चर ऑफ डिजीज कंडीशन लिखेंगे, डिमेंशिया का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, डिजीज़ के बारे में पूरी हम लोग इसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं। फिर केस प्रेजेंटेशन में तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन डेफिनेशन लिखेंगे, देन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया, कितने टाइप्स का डिमेंशिया होता है
तो इसमें होता है अल्जाइमर डिमेंशिया, वस्कुलर डिमेंशिया, मिक्स्ड डिमेंशिया। देन इसका इंसिडेंस और इटियोलॉजी, बुक में क्या इटियोलॉजी दी है और हमारे पेशेंट के अंदर क्या इटियोलॉजी दिख रही है। हम लोग इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसका डायग्राम बना देंगे ब्रेन का, फिर स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया लिखेंगे, अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, फाइनल स्टेज। देन हम लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर, कि क्या बुक में लिखा है और क्या हमारे पेशेंट में दिखाई दे रहा है। फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, ट्रीटमेंट क्या क्या चल रहे हैं अभी, कौन सी थेरेपी हम लोग इसको दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग पहले असेसमेंट करेंगे, देन डायग्नोसिस बनाएंगे, और ये हमारा केयर प्लान है। फिर हम लोग लास्ट में लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन। सो यही था, अपनी नेक्स्ट वीडियो हम लोग केस स्टडी भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए अपने 5 दोस्तों को आगे भी। थैंक यू।